Assalamu alaikum. My name is Ulfat Nayab. I'm your computer teacher. This is book of computer for class 6 and this is chapter number 3 and today I will deliver my second lecture. हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंट हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे. आप इसको कंटिन्यू करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द प्रिंटर. प्रिंटर इज़ आल्सो आउटपुट डिवाइस. अ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू प्रिंट टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन पेपर और अदर मीडिया. हमारे पास प्रिंटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है जिसको क्यों यूज़ किया जाता है? डिफरेंट टेक्स्ट को या इमेजेस को जो है वो प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसको पेपर पे भी ये प्रिंट कर सकते हैं और दूसरे मीडिया पे भी हमारे पास ये प्रिंट कर सकते हैं. जो मीडिया आप उसको देंगे उसको उसी पे प्रिंट करेगा. सच आउटपुट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी. अब हमारे पास प्रिंटर जो प्रिंट करके हमें कॉपी देता है उसको कहा क्या जाता है? उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था स्क्रीन पर मॉनिटर की जो हमें नज़र आता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है और जो प्रिंटर देता है वो हार्ड कॉपी होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर अवेलेबल. हमारे पास आजकल डिफरेंट प्रिंटर्स की टाइप अवेलेबल हैं. कुछ जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, कुछ का यूज़ जो है वो कम हो चुका है. सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन दे विल बी यूज फॉर. डिपेंड करता है सिलेक्शन, आप कौन सा प्रिंटर लेना चाहते हैं. ठीक है, आप उसकी एप्लीकेशन कहती हैं. देयर इनिशियल एंड रनिंग कॉस्ट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन द फाइनल डिसीजन. यानी कि उसका स्टार्ट कैसा है प्रिंटर का, उसके बाद जो है वो उस पर लागत कितनी लग रही है, ठीक है, कितना अर्सा चलेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि वो प्रिंटर कैसा है. आप उसको देखेंगे वो स्टार से कैसा है, फिर उसके बाद उसकी जो चलाने की लागत है वो कितनी है. उससे आपका डिसीजन आसान हो जाएगा कि आपने कौन सा जो है वो प्रिंटर ख़रीदना है. द लेज़र प्रिंटर. अ लेज़र प्रिंटर कैन प्रिंट लार्ज क्वान्टिटीज़ एट अ ग्रेट स्पीड. हमारे पास जो है लेज़र प्रिंटर क्या करता है, ज़्यादा प्रिंट करता है. लार्ज क्वान्टिटीज़ को, बड़ी क्वान्टिटी को प्रिंट कर सकता है और इसकी स्पीड भी क्या होती है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेज प्रिंटर बिकॉज इट प्रिंट्स अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम. इसको जो है वो पेज प्रिंटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एट अ टाइम ये पूरा कंप्लीट पेज आपको प्रिंट करके दे देगा. लेज़र प्रिंटर यूज बाय सिंगल यूजर्स और कॉल्ड पर्सनल लेज़र प्रिंटर. इसको सिंगल यूजर यानी एक ही यूज़र इस्तेमाल कर सकता है एक टाइम पे, इसीलिए इसको कहा क्या जाता है, इसको पर्सनल लेज़र प्रिंटर कहा जाता है. दे आर इनएक्सपेंसिव बट कैन प्रिंट ऑनली फॉर 6 पेजेस अ मिनट. ठीक है, ये क्या करते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये जो है मिनट में हमारे पास 4 to 6 पेजेस जो है वो प्रिंट करके हमें दे देंगे. शेयर लेज़र प्रिंटर्स आर यूज इन ऑफिस. अब इसी की टाइप जो शेयर लेज़र प्रिंटर है वो कहाँ यूज़ होते हैं, ऑफिस में यूज़ होते हैं. दे आर एक्सपेंसिव बट कैन प्रिंट मोर देन 30 पेजेस अ मिनट. ये ज़्यादा महंगे पड़ते हैं हमें, लेकिन ये मिनट में कितने, एक मिनट में हमारे पास 30 पेजेस को जो है वो प्रिंट करके दे सकते हैं. उसके बाद आता है, उसके बाद ये कहता है सम लेज़र प्रिंटर्स आर मोनोक्रोम वाइट अदर्स प्रिंट इन कलर. कुछ प्रिंटर्स क्या होते हैं मोनोक्रोम, क्या मतलब, यानी कि एक ही कलर में उसको प्रिंट करते हैं. ठीक है, और दूसरे जो है कुछ प्रिंटर्स में जो है वो कलरफुल हमारे पास प्रिंट आता है. सम लेज़र प्रिंटर्स कैन बी कम्बाइंड विद अ फैक्स मशीन फोटो कॉपियर एंड स्कैनर. कुछ प्रिंटर हमारे पास किसके साथ कंबाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं फैक्स मशीन के साथ, फोटोकॉपियर के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं और स्कैनर के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है. लेज़र प्रिंटर्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट एंड वर्क साइलेंटली. ये क्या करते हैं, हाई क्वालिटी की आउटपुट हमें देते हैं, यानी कि जो प्रिंट करके देंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी. इसके अलावा साइलेंटली काम करेंगे, शोर नहीं करते. सम कैन इवन प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ शीट. और कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो शीट के दोनों साइड पर हमें प्रिंट करके देते हैं. दे आर ऑल्सो क्वाइट लार्ज एंड एक्सपेंसिव. ये जो है वो साइज़ में भी बड़े होते हैं और क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि हमें महंगे पड़ते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है द थर्मल प्रिंटर. अ थर्मल प्रिंटर इज़ अ प्रिंटर दैट यूजेस हीट टू बर्न एन इमेज ऑन टू स्पेशली ट्रीटेड पेपर. हमारे पास जो थर्मल प्रिंटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हीट को यूज़ करते हैं. ठीक है, यूज़ हीट टू ट्रांसफर एन इम्प्रेशन ऑन पेपर. पेपर पे खास इम्प्रेशंस को जो है वो छापने के लिए, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करते हैं, हीट को इस्तेमाल करते हैं. थर्मल प्रिंटर्स आर यूज एट सम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल. वो कुछ जो है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल यानी कि जो चीज़ें वगैरह बेचने की जगह होती है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. सम थर्मल प्रिंटर्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी कलर आर्ट वर्क एंड टेक्स्ट. कुछ इसमें जो है थर्मल प्रिंटर वो ऐसे होते हैं जो कि हाई क्वालिटी की हमें जो है वो प्रोडक्शन देते हैं,
इसके अलावा जो है ये कलर पिक्चर देते हैं और आर्ट पर भी अच्छा करते हैं, टेक्स्ट भी जो है वो अच्छे से हमें प्रिंट करके दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द इंकजेट प्रिंटर। एन इंकजेट प्रिंटर प्रिंट्स टेक्स्ट एंड इमेजेस बाय स्प्रेइंग इंक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एट अ हाई स्पीड। हमारे पास इंकजेट प्रिंटर जैसे कि नाम से जाहिर है डिफरेंट इंक की फॉर्म में स्प्रे करके देते हैं जो कि कलर फॉर्म में होती है हमारे पास, ठीक है। द स्पीड इज़ मेजर्ड इन पेजेस पर मिनट, ठीक है। हम जो है इसकी स्पीड को कैसे मेजर करते थे, जैसे जैसे जितनी जल्दी हमारे पास पेजेस जो है वो कंप्लीट होकर आएंगे। इंकजेट प्रिंटर्स प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ इमेजेस दैट हैव बीन क्रिएटेड यूजिंग डिजिटल कैमराज, ठीक है। डिजिटल कैमराज को यूज़ करते हुए जो हमारे पास इमेजेस आती हैं उनको फिर जो है ये इंकजेट प्रिंटर उसको मज़ीद प्रोड्यूस करते हैं, उनको हार्ड कॉपी में लेकर आते हैं, ठीक है। डिजिटल कैमरा के ज़रिए जो हमने इमेज ली, जो फोटोग्राफ ली, उसको हार्ड कॉपी में हमें कौन प्रोवाइड करता है, इंकजेट प्रिंटर प्रोवाइड करता है। दे कैन बी यूज वेयर एवर कलर एंड दे कैन बी यूज वेयर एवर कलर एंड अपीरियंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्पल एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। हमारे पास जो है ये उनको हर उस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ अपीयरेंस ज़रूरी है, यानी कि उस चीज़ के सामने आना ज़रूरी है, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग वगैरह यानी कि जो कमर्शियल्स हमारे पास आती हैं उसमें जो है इंकजेट जो प्रिंटर है इनका यूज़ किया जाता है, ताकि उस जो डिजिटल कैमरा से हमारे पास फ़ोटो आई है उस पर मज़ीद स्प्रे करके उसको अच्छे से मज़ीद डिजिटल फॉर्म में ला के ना, और उसे जो है एडवर्टाइजिंग के लिए आगे जो है पेश किया जा सके। इंकजेट प्रिंटर्स आर इनएक्सपेंसिव, रिलायबल, लाइट एंड ईजी टू ऑपरेट। ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते, ज़्यादा मौसर होते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा जो है लाइट होते हैं, हल्के होते हैं और ईजी टू ऑपरेट, इनको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, इनको जो है चलाना आसान होता है। दे आर स्लो एंड डू नॉट प्रोड्यूस एज हाई क्वालिटी एज लेज़र प्रिंटर। ये क्या होता है, ये स्लो होते हैं काम में, काम इनका थोड़ा स्लो होता है, प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से नहीं कर सकते और इनकी क्वालिटी भी जो है वो ज़रा इनकी क्वालिटी जो होती है वो थोड़ी सी जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर। सम टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर नॉट यूज नाउअडेज। हमारे पास कुछ ऐसी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स की जिनको आजकल के ज़माने में जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अब है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट्स करेक्टर्स एंड इमेजेस यूजिंग अ सीरीज ऑफ स्मॉल पेन्स ऑन अ प्रिंट हेड, ठीक है। हमारे पास जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्यों यूज़ होता है, ये डिफरेंट करेक्टर्स को और इमेजेस को जो है वो सीरीज की फॉर्म में प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट हेड जो है वो प्रिंटर का वो हिस्सा होता है जो कि छापता है कागज़ पे। द पेपर इज़ पोजिशनड ऑन द अदर साइड ऑफ एन इंक कोटेड रिबन, ठीक है। हमारे पास जो पेपर का हिस्सा होता है वो कहाँ पे पोजीशन होता है, उसकी जगह कहाँ होती है, वो जहाँ पे इंक कोटेड रिबन होता है उसको वहाँ पे रखा जाता है। एज द प्रिंट हेड स्ट्राइक्स द रिबन इट लीव्स एन इंक इम्प्रेशन ऑन द करेक्टर ऑन द पेपर। अब हमारे पास जो कागज़ पड़ा होता है उसको क्या करता है, जो प्रिंट हेड स्ट्राइक होता है यानी कि जो प्रिंटर का हिस्सा होता है, प्रिंट हेड जो छापता है उसके आगे से खारिज होती है, हमारे पास इंक निकलती है, ठीक है। इंक निकल के इम्प्रेशन बनाती है वो किसी करेक्टर का उस पेपर पे, जो भी इम्प्रेशन हमें चाहिए वो करेक्टर उस पेपर पे आ जाएगा। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ इनएक्सपेंसिव एंड रिलायबल, ठीक है, बट इट इज़ नॉइजी एंड प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी आउटपुट। हमारे पास ये क्या होते हैं, ये हमारे पास जो ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते, मौसर होते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन क्या होते हैं, नॉइजी होते हैं, शोर करते हैं ज़्यादा। इसके अलावा पुअर क्वालिटी होती है इनकी, यानी कि आउटपुट जो है पुअर क्वालिटी का होता है, क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इट प्रिंट्स ऑन अ रील ऑफ पेपर एंड इज़ यूज्ड एट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल फॉर प्रिंटिंग रिसीप्ट, ठीक है। इनको ज़्यादातर कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जो है चीज़ें वगैरह बिक रही होती है, पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं जहाँ पे, उधर इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। रील ऑफ पेपर एक रील की सूरत में पेपर पे जो है वो काम कर रहा होता है, यानी एक के बाद दूसरा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ करेक्टर प्रिंटर बिकॉज इट प्रिंट्स वन करेक्टर एट अ टाइम। इनको जो है वो करेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है, करेक्टर प्रिंटर इसीलिए इनको कहा जाता है क्योंकि एक टाइम पे एक ही करेक्टर को जो है ये पेपर पे छाप सकते हैं। अदर प्रिंटर्स नो लॉन्गर यूज़ आर द
डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। अब हमारे पास कुछ ऐसे प्रिंटर है जिनको जो है वो अब ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है। उनमें डेजी व्हील प्रिंटर आ जाता है, ड्रम प्रिंटर आ जाता है, चेन प्रिंटर आ जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर इज़ ऑल्सो अ करेक्टर प्रिंटर। जो डेजी व्हील हमारे पास प्रिंटर होता है उसको क्या कहा जाता है, उनको जो है वो करेक्टर प्रिंटर कहा जाता है। ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर्स आर कॉल्ड नाइन प्रिंटर्स बिकॉज दे प्रिंट वन कंप्लीट नाइन एट अ टाइम। ड्रम प्रिंटर हमारे पास जो चेन प्रिंटर है उनको नाइन प्रिंटर कहा जाता था, कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो प्रिंट करते हैं एक लाइन जो है वो एट अ टाइम। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। टेक केयर एंड।